हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भारत के संविधान से रिलेटेड नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का एक क्विज टेस्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चंस का क्विज टेस्ट दिया था, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। आप लोगों ने जो है अगले क्वेश्चंस की डिमांड की, इसलिए आज हम लेकर के आए हैं। तो इसमें वैसे ही करना है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो कह रहा है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन है, पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान और चौथा अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है। मेरे अनुसार ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं कि वास्तव में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या राइट है, तो कौन सा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। तो चार ऑप्शन हैं, पहला है 125, दूसरा है 124, तीसरा है 126 और चौथा है 123। तो फ्रेंड्स, 27 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 124। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि निम्न में से किसने सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है भारत सरकार एवं किसी राज्य अथवा राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दूसरा है भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, और तीसरा है दो कारपोरेट घरानों के मध्य विवाद, और चौथा है दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, दो कारपोरेट घरानों के मध्य विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, तो देखें 29 क्या कहता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है। तो 29 में देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है 123, दूसरा कहता है 141 और तीसरा है 142 और चौथा है 140। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 143, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है। तो देखें, चार ऑप्शन है, पहला है अनुच्छेद 233A, दूसरा है अनुच्छेद 224, तीसरा है अनुच्छेद 224A और चौथा है अनुच्छेद 233। तो देखें फ्रेंड्स, 30 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, अनुच्छेद 224A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है। तो चार ऑप्शन है, पहला है 223, दूसरा है 226 और तीसरा है 227 और चौथा है 224। तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 227। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है माउंट बेटन प्लान, दूसरा है साइमन कमीशन और तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है कैबिनेट मिशन प्लान। तो 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, माउंट बेटन प्लान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्या कहता है भारतीय संविधान है। तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला कहता है न एकात्मक न संघीय लेकिन दोनों का मिश्रण, दूसरा कहता है एकात्मक और तीसरा कहता है ना एकात्मक ना संघीय और चौथा कहता है संघीय। तो 33 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, संघीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द समाहित किए गए। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है 46वें संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है 32वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, तीसरा कहता है 44वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा और चौथा कहता है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्या कहता है,
कि भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि, तो देखें इसमें चार ऑप्शन है, पहला है राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है, और दूसरा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, और तीसरा संसद सर्वोच्च है, और चौथा न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है 15 जनवरी 1948 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा है 15 अगस्त 1947 को, और चौथा है 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है किस वाद में निर्धारित किया गया। तो देखें चार ऑप्शन है, पहला कहता है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, दूसरा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, और तीसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, और चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया, कब अंगीकार किया। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 25 अक्टूबर 1948 को, तीसरा है 26 नवंबर 1948 को, और चौथा है 25 अक्टूबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया है। तो देखें चार ऑप्शन है, पहला आयरलैंड, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स। तो 39 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहता है, किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूलभूत अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्रिटेन, और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है स्पेन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा फ्रांस, और चौथा आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत का महान न्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी है। तो देखें चार ऑप्शन है, पहला कहता है इस बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, दूसरा कहता है हाँ, और तीसरा कहता है स्पीकर के निर्णय पर आधारित है, और चौथा कहता है हाँ कुछ सीमा तक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो चार ऑप्शन है, पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, और चौथा मंत्रिपरिषद। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा अनुच्छेद 63, और तीसरा अनुच्छेद 72, और चौथा अनुच्छेद 76। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है निम्न में से कौन सा एक कार्य महान न्यायवादी का नहीं है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, और दूसरा कहता है भारत सरकार को सलाह देना, और तीसरा है विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करना, चौथा है संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा दिए गए कार्य करना। तो 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्या कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
महान न्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है? तो देखें चार ऑप्शन है, पहला कहता है अनुच्छेद 58 और दूसरा अनुच्छेद 78 और तीसरा अनुच्छेद 88 और चौथा अनुच्छेद 97। तो 46 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, अनुच्छेद 88। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो देखें पहला कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। तीसरा कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। और चौथा ऑप्शन कहता है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है 15 साल, दूसरा 20 साल, तीसरा 12 साल और चौथा 10 साल। तो 48 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 10 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, तो इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में, और इसमें हम बहुत सारे यूजफुल क्वेश्चंस लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेकर के आते हैं और उसके साथ साथ लॉ से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी लेकर के आते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णयन किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, पहला कहता है रिट क्षेत्राधिकार में, दूसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार में और चौथा मूल क्षेत्राधिकार में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, मूल क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? तो पहला ऑप्शन कहता है 15(4), दूसरा है 16(4) का, तीसरा है 16(4) खा और चौथा है 16(4). तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है 16(4) खा, ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहेंगे तो हम अगला वीडियो भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।